और ये थर्ड रेड है, डू और डाई रेड। हेलो हेलो निहाल भाई, अगला राउंड का ऐलान कर दो। कौन है अगला राउंड?
खेल का हाफ टाइम खत्म हुआ है। जरूरी बात नहीं। उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और मैक स्पोर्ट क्लब, उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और मैक स्पोर्ट क्लब दोनों टीमें ग्राउंड पर पहुंच जाएं। उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और मैक स्पोर्ट क्लब दोनों टीमें तैयार होकर ग्राउंड पर पहुंच जाएं। उस्मानिया और मैक स्पोर्ट क्लब और इसी दरमियान उस्मानिया स्पोर्ट क्लब के सुपरस्टार खिलाड़ी तनवीर भाई की यहां पर आमद हो चुकी है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वीआईपी डाइस पर आए। तनवीर भाई, अभी आपकी टीम का मुकाबला है उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और मैक का।
अगले मुकाबले की दोनों टीमें उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और मैक स्पोर्ट क्लब। मैक स्पोर्ट क्लब की रिपोर्टिंग हो चुकी है, उस्मानिया स्पोर्ट क्लब तैयार हो जाए। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहें, जैसे ही मुकाबला खत्म होगा दोनों टीमों को ग्राउंड पर एंट्री करनी है। डीजे थोड़ा आवाज दो, आवाज बढ़ाओ थोड़ा, डीजे माइक की आवाज बढ़ाओ जरा। उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और माइक स्पोर्ट क्लब, ठीक है। उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और माइक स्पोर्ट क्लब, दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहें। स्टेज के सामने कारपेट पे कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सब पवेलियन स्टैंड में जाकर बैठ जाएं। कारपेट पे कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, स्टेज के आजू बाजू कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सबको पवेलियन स्टैंड पे जाके बैठना है। वहां पे जो बच्चे लोग खड़े हैं टीम के पीछे, आप लोग पवेलियन स्टैंड पर जाकर बैठे। सबको पवेलियन स्टैंड में जाकर बैठना है। स्टेज के स्कोरिंग के आजू बाजू कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और मैक स्पोर्ट क्लब, दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहें। जैसे ही मुकाबला ख़त्म होगा आपको ग्राउंड पर एंट्री करनी है। और शायकिन आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पर कोई भी गोवा गुटखा विमल वगैरह नहीं खाना है। आपको अपनी ज़रूरत को पूरी करना है, बाहर जाए, बाहर ज़रूरत को पूरी करें, उसके बाद आए। मोमिन वेलफेयर सेंटर अगर इस मुकाबले को जीत लेती है, वहाब मोमिन, मोमिन के सीनियर खिलाड़ी वहाब की जानिब से 500 रुपये का नकद इनाम होगा।
यहाँ पे पीछे किसी को नहीं खड़े रहना है, दोनों टीम के पीछे कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, सिर्फ कोच खड़ा रहेगा। बार बार यहाँ से ऐलान किया जा रहा है टीम के पीछे सिर्फ कोच रहेगा और बाकी कोई भी सपोर्टर मैनेजर मैनेजर कोई नहीं रहेगा। और इस मुकाबले को मोमिन वेलफेयर सेंटर ए ने जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन मोमिन वेलफेयर सेंटर ए, हार्ड लक समनगर स्पोर्ट क्लब। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मोमिन वेलफेयर सेंटर ए के मौजम, बहुत अच्छी राइडिंग करते हैं मौजम। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो ट्रॉफी है हमारे दरमियान नेशनल लेवल के खिलाड़ी केशवनाथ नाइक साहब यहां पर मौजूद है, नेशनल प्लेयर है, उनके दस्ते मुबारक से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। भाई कमेटी के बच्चे यार आप लोग नहीं ऐसे करोगे ऐसा नहीं चलेगा यार, ट्रॉफी कम से कम मेहमान के हाथ में दो वो देने के लिए। 100 रुपए का नकद इनाम जो है हमारे दरमियान सोहराब भाई है उनके दस्ते मुबारक से दिया जाएगा। ये देखिए 100 रुपए का नकद इनाम देते हुए सोहराब भाई। हमारे दरमियान फराज भाई यहां पर मौजूद हैं जो मिठाइयों का तोहफा देंगे। फराज भाई ये देखिए मौजम को मिठाइयों का तोहफा देते हुए अयुब भाई मिठाई वाला एंड सन्स की जानिब से पेश किया गया मिठाइयों का तोहफा। और हमारे दरमियान मौलाना अरकम साहब यहां पर मौजूद हैं, उनके दस्ते मुबारक से यह ड्रेस दिया जाएगा। ये आप ड्रेस दीजिए मौलाना अरकम साहब, पहले ये इधर दिखाइए, इधर स्क्रीन इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। ये देखिए मौलाना अरकम साहब ड्रेस देते हुए, अगले अगले मुकाबले में आपको ये ड्रेस पहन के आना है। बहुत ही जबरदस्त खेला मौजम ने। ये देखिए हमारे वीआईपी डाइस पर नेशनल लेवल के खिलाड़ी केशवनाथ नाइक साहब, साथ में अनिस फहमी साहब, मौलाना अरकम साहब, फराज भाई और सलमान। ये देखिए दो नन्हे मुन्ने बच्चे यहां पर मौजूद हैं, उनको भी दिखाया जा रहा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि नेशनल लेवल के खिलाड़ी केशवनाथ नाइक साहब यहां पर मौजूद हैं जो कारोली गांव से ताल्लुक रखते हैं, साथ में अनीस फहमी साहब, मौलाना अरकम साहब। कबड्डी के खेल से काफी लगाव है, प्यार है मौलाना अरकम साहब को, जहां भी कबड्डी होती है मौलाना अरकम साहब देखने के लिए पहुंच जाते हैं। इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला कर रहे हैं मौलाना अरकम साहब, साथ में आप फराज भाई को देख सकते हैं।
जो कंप्यूटर पर एक्रेलिक के लिए बहुत ही माहिर हैं, फराज भाई बहुत ही अच्छी ट्रॉफियां वगैरह बनाते हैं। उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और मैक स्पोर्ट क्लब दोनों टीमें ग्राउंड पर उतर जाएं। उस्मानिया स्पोर्ट क्लब और मैक स्पोर्ट क्लब, हमारे सभी ऑफिशियल्स नेशनल इंडिया लेवल के पंच नंद कुमार सेनकर साहब, जीतू नाइक सर, कुंदन माली सर, प्रशांत मात्रे सर, मोनिश पाटिल सर, क्या जबरदस्त ये पांचों पंच की टीम है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर खिला रहे हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ पर स्कोरिंग वगैरह सब कर रहे हैं।